मुंबई कर जो 2 जून को जियो सिनेमा पर आने वाली एक नई फिल्म है जिसमें हमें काफी कमाल के एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे विक्रांत मैसी, रणवीर शौर्य, संजय मिश्रा, विजय सेतुपति। और ये विजय सेतुपति की फर्स्ट हिंदी फिल्म होने वाली है। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि मुंबई कर मूवी 2017 में एक तमिल मूवी मंगागरम की रीमेक होने वाली है, जिसे लोकेश कंगराज ने राइट एंड डायरेक्ट किया था। 4 करोड़ में बनी इस पिक्चर ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था। और ऐसी रिपोर्ट भी है कि मुंबई कर मूवी को भी राइट लोकेश कंगराज ने ही किया है। ट्रेलर में हमें बताया जाता है कि क्या होगा अगर मुंबई जैसे एक भाग दौड़ वाले शहर में एक गलत किडनैपिंग हो जाए जो उससे जुड़ी सभी लोगों की लाइफ में एक ट्विस्ट ला दे। अब वो ट्विस्ट क्या है और वो ट्विस्ट कैसा होगा, ये हम मूवी में देखेंगे। ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूँ कि मूवी में काफ़ी सारे ट्विस्ट दिखाए जाएंगे, जिसके बीच में हमें एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी का एक कॉकटेल देखने को मिलेगा। मूवी में पर्सनली मैं विजय सेतुपति की हिंदी सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की टोन में उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज़ फर्जी सीरीज में किया था वो काफ़ी ज़्यादा मस्त था और उसको मैं दोबारा सुनना भी चाहूँगा। साथ ही मैं विक्रांत मैसी का भी कैरेक्टर देखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम से कोई अच्छी मूवीज़ दी नहीं है। मुंबई कर मूवी 2 जून को जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो जाएगी, जो कि तुम फ्री में देख पाओगे और मैं उसका रिव्यू करूँगा ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर उसका रिव्यू मिस नहीं करना चाहते। अगर मूवी से रिलेटेड कोई भी तुम्हारे थॉट्स है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। साथ में मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने मनोज वाजपेयी की नई मूवी सिर्फ एक बंदा का रिव्यू किया है, जो कि काफ़ी कमाल की पिक्चर थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।